ओम शांति आज 18 नवंबर दो हज़ार तेईस है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी ओम शांति दीदी ओम शांति बाबा ने कहा मीठे बच्चे मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारणा चाहिए जो हड्डी धारणा शब्द आया है इसका रहस्य समझना ज़रूरी है देखिए जब हम सेवा के क्षेत्र में होते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें सामने आती हैं एक्चुअली सेवा का क्षेत्र हमारा एक प्रकार से एग्जामिनेशन हॉल है उसमें हमारी संस्कारों का टेस्ट होता है एक दूसरे के साथ क्लैश भी होते हैं अंडरस्टैंडिंग धैर्यता सहनशीलता समाने की शक्ति ये सब चीज़ों का टेस्ट हमारा सेवा के क्षेत्र में ही होता है तो अगर हमारी धारणाएं हड्डी नहीं हैं गहरी नहीं है तो डिस्टर्बेंस होने के फुल चांसेस हैं फुल चांसेस हैं और सेवा के क्षेत्र में ही क्लैशेस होते हैं सेवा के क्षेत्र में ही हम पास और फेल होते हैं मैं धारणा कर रही हूँ उसकी परीक्षा कहाँ होगी सेवा में सेवा में होगी अकेला में चाहे जितना मर्जी कहती रहूँ मैं बड़ी अच्छी हूँ किसने देखा आप उसका टेस्ट दीजिए तब पता लगेगा ना तो ये बात बाबा कहते हैं हड्डी धारना चाहिए प्रश्न है आत्मा मैली कैसे बनती है आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है बाबा ने कहा मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान देह अभिमान का फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता है ये विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है hmm. फिर बाप की याद भूल जाती है सर्विस नहीं कर सकते है। नहीं। गीत है तुम्हारे बुलाने को बाबा ने जो कहा मित्र संबंधियों की याद से मैंने वो, वो भी हमको समझना है जब हम समझ लेते हैं कि आत्मा अलग है हर आत्मा का पार्ट अलग है और हम आत्मा यहाँ पर अपने कर्मों के हिसाब किताब के कारण से इकट्ठी हैं मैंने जिस माता पिता के घर में जन्म लिया तो मेरा कोई हिसाब किताब था तो बाबा ने ये बात स्पष्ट की है कि यदि मैं ज्ञान युक्त रीति से चलती हूँ ये मेरे हिसाब किताब है मेरे क्लियर करने मुझे अकाउंट्स बात और है लेकिन अगर मुझे उनकी याद आती मैं उनकी कॉन्शियसनेस में ज़्यादा रहती हूँ शिव बाबा की कॉन्शियसनेस आत्मा उनकी कॉन्शियस में तो वो जो याद है वो नुकसान वाली होती है गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है ये गीत बड़ा अच्छा है बच्चे गारंटी भी करते हैं कि आपका सुन करके फिर ये ज्ञान सुनाने का दिल होती है याद तो बच्चे करते हैं ये भी ज़रूर है कोई याद करते होंगे और मिले भी होंगे कहा भी जाता है कोई कोटों में कोई आ करके के ये वर्षा लेते हैं अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है ज़रूर पाँच हजार वर्ष पहले भी बाप राजयोग सिखलाने आया होगा पहले पहले तो ये समझाना है कि नॉलेज किसने सुनाई थी क्योंकि ये बड़ी भूल है बाप ने समझाया है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है भारतवासियों का शास्त्र सिर्फ मनुष्य ये भूल गए हैं सर्व शास्त्र में गीता किसने गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ फिर बाबा ने कहा कि शांति और सुख का दाता तो बाप है ना यहां है अशांति दुख तो बुद्धि में यह ज्ञान टपकना चाहिए इसमें अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए ऐसे तो छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है परंतु अर्थ तो समझा ना सके इसमें हड्डी धारना चाहिए जो कोई फिर प्रश्न पूछे तो समझा भी सके अवस्था अच्छी चाहिए नहीं तो कभी दे अभिमान में कभी क्रोध मोह में गिरते रहते हैं लिखते भी हैं बाबा आज हम क्रोध में गिरा आज हम लोभ में गिरा अवस्था मजबूत हो जाती है तो गिरने की बात नहीं रहती ठीक है बात कहते हैं कि जब हड्डी धारणा होती है तो फिर हम वशीभूत भी नहीं होते हैं आकर्षणों के विकर्षणों के विकारों के वशीभूत नहीं होंगे जब हड्डी धारणा नहीं होगी, होगी ज्ञान योग नहीं होगा तो माया अटैक करेगी बाबा ने हम बच्चों को कहा कि पूछना पड़ता है कि ये किसने कहा कि मैं राजयोग सिखाता हूँ काम महाशत्रु है ये किसने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ किस शास्त्र में लिखा हुआ है किसने किसके लिए कहा जाता है पतित पावन क्या पतित पावनी गंगा है या और कोई है वो कोई नहीं है गंगा को तो अविनाशी कहेंगे बाकी सिर्फ तमोगुणी तत्व बन जाते हैं तो उनमें चंचलता आ जाती है बाबा ने फिर हम बच्चों को कहा पतित पावन को जब याद करते हैं तो कहते हैं हे भगवान हे बाबा ये किसने कहा आत्मा ने तुम जानते हो पतित पावन शिव बाबा आया हुआ है निराकार अक्षर जरूर डालना है नहीं तो साकार को मान लेते हैं आत्मा पतित बनी हुई है ये नहीं कहते कह नहीं सकते कि सब ईश्वर हैं। अहम ब्रह्मस्मि या शिवोहम कहना बात एक ही है लेकिन रचना का मालिक तो एक ही रचता है बाबा ने इसमें इस स्पष्टीकरण इस दिया रचयिता अलग होता है रचना अलग है मैं ब्रह्म नहीं हो सकती ब्रह्म तो रहने का घर है। ने कहा कि बाबा ने कहा एक बिंदी जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना पाठ नूंधा हुआ है मैं तो स्टार मिसल हूँ आत्मा भी स्टार है गाते भी हैं, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा तो वो आत्मा ही ठहरी मैं भी परम पिता परमात्मा हूँ परंतु मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ मेरे गुण अलग हैं फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आत्मा पवित्र होगी बाकी ज्ञान थोड़े सब धारण करेंगे सब एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे धारणा नहीं होती तो समझा जाता है ये कम पद पाएंगे फिर बाबा ने कहा तुम अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई है नंबर वार तो हर क्लास में हो, होते ही हैं कोई तीखे कोई ढीले ये भी नंबरवार हैं अगर कोई अच्छे आदमी को थर्ड ग्रेड समझाने वाले मिल जाएं, तो वो समझेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है कि अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए सब एक जैसे पास नहीं होंगे बाबा के पास तो लिमिट है कल्प कल्प इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है मुख्य आठ पास होते हैं फिर सौ फिर है सोलह हजार फिर प्रजा बाबा ने बताया कि पढ़ाई से ही नंबर बनते हैं और जो विष्णु के गले की माला है वो आठ की है एक सौ आठ की है सोलह हज़ार एक सौ आठ की, है, आठ की है, फिर उसका बाबा ने कहा प्रजा प्रजा की माला नहीं होती है फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया है कि सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव बाप आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है इसलिए सबसे साहूकार आप हो चाहे सूखी रोटी भी खाते हो लेकिन खुशी की खुराक उस रोटी में भरी हुई है उसके आगे कोई खुराक नहीं सबसे अच्छी खुराक खाने वाले सुख की रोटी खाने वाले आप हो इसलिए सदा खुशहाल हो ऐसे तो ऐसे खुशहाल रहो जो भी देखकर, जो और भी देखकर कर खुशहाल हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब आत्मा और स्लोगन है नॉलेजफुल वो है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ न जाए नॉलेजफुल वो कितनी जबरदस्त चीज जिसका एक भी संकल्प और व्यर्थ नहीं ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण ओम शांति